नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में मेरे बच्चे को सिखाए नामक पाठ भाग के पहला भाग का परिचय हमने किया है। यह पाठ भाग अमेरिका के 16वीं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा एक पत्र है। इसमें उन्होंने जीवन की पाठशाला से अच्छे को स्वीकार करने तथा बुरे को नकारने की प्रेरणा देती है। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से एक पत्र द्वारा इस समाज में जीने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या जानना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। आगे देखिए बच्चों, उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाए। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। स्कूल में उसे सिखाए कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। जब लोग भेड़ों की तरह एक रास्ते पर चल रहे हो तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाए कि वह हर एक की बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दे। उसे समझाए कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे तसल्ली से सिखाए, परंतु बहुत लाड प्यार में उसे बिगाड़े नहीं। उसे हमेशा ऐसी सीख दे कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखे इसमें से क्या करना संभव है। अब्राहम लिंकन। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द है, देखिए। सुनहरी, गोल्डन। ढलान, स्लोप। निहारना, टू लुक। नकल करना, टू कॉपी। कसौटी, टचस्टोन। आलोचक, क्रिटिक। नज़रअंदाज, इग्नोर। ताकत, पावर। ईमान, ऑनेस्टी। तसल्ली, कंफर्म। तो बच्चों, यह पाठ भाग अमेरिका के 16वीं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा एक पत्र है। इसमें उन्होंने जीवन की पाठशाला से अच्छे को स्वीकार करने तथा बुरे को नकारने की प्रेरणा देती है। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि उसे हारना सिखाए, हारना माने पराजय, और जीत में खुश होना भी सिखाए। हम सबको पता है हमारा जीवन में हार भी होती है और जीत भी होती है, ये दोनों को एक समान सामना करना चाहिए। और अगर उसके जीवन में हार आए तो, पराजय आए तो उससे भी लड़कर जीना चाहिए। बदमाश लोगों को भी अपने नियंत्रण में रखने के लिए भी उसे सीखना चाहिए। इसके अलावा उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाना चाहिए।
किताब माने पुस्तक, और उसके साथ साथ प्रकृति की सुंदरता यानी नीले आसमान, उड़ते पक्षी, सुनहरी धूप, ये सब, और उसके साथ गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, ये सब मेरे बच्चे सीखना चाहिए। उसके साथ पहाड़ के ढलानों, ऊंचे पर्वत और जंगली फूलों की हंसी, ये सब उसे देखना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्कूल में उसे ज़रूर यह सिखाना चाहिए कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है, अर्थात नकल करके पास होना अच्छा नहीं है। वो हमेशा पढ़कर लिखना चाहिए, नकल करके पास होने से फेल होना ही बेहतर है। हमारे समाज में भले लोग भी है और बदमाश लोग भी है। भले लोगों के साथ अच्छा उचित रूप से व्यवहार करना चाहिए और बदमाशों को सबक सिखाना चाहिए। हमारे दुनिया में हर कई लोग किसी की रास्ता के पीछे पीछे करते हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि पुत्र एक अलग रास्ते में ही जाना चाहिए। हमारे जीवन में दो तरह के लोग हैं, आलोचक और चाटुकार। ये दोनों से सावधान रहना चाहिए। उसे अपने शरीर की ताकत पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से इस प्रकार कहते हैं कि आप उसे किताबें पढ़ने के लिए बताना है, साथ ही संसार की सुंदरता के एहसास के लिए उसे खुले आसमान में उड़ते पक्षियों की आवाज़, हरे भरे मैदानों में खिले फूलों को भी निहारना चाहिए। स्कूल के दिनों में उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात को दूसरे उसे गलत कहे पर अपनी सच पर उसका पूरा भरोसा होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है उसे यह भी सिखाना चाहिए कि उसे कभी रोने का मन कहे तो रोने में बिल्कुल शर्म न करे। मेरा सूचना है उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। यह बात बड़ी है और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता सकते हैं उतना उसके लिए अच्छा होगा। तो बच्चों, हर पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है ताकि बड़ा होकर वह बच्चा एक सफल इंसान बन सके। वैसे ही अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था। लिंकन ने इसमें पूरे बातें लिखी थी जो वे अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। यह बातें किसी छात्र के लिए ही नहीं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बन सके। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर रिटन बाय अब्राहम लिंकन टू हिज सन्स टीचर। Lincoln told his son's teacher that he must teach him to accept the failure and to express the joy in times of victory. Also take him to the fascinating world of books if he can. Also tell the way to enjoy the beauty of nature to make him understand that it is better to fail than succeed by copying in the class. To stand firm in his own decision even if he is accused of being a guilt. He must choose his own way without following the wrong people and to be patient with others. Don't be ashamed to cry. Give him the courage to ignore critics and to be cautious in front of flattering people. Earn plenty with one's own hard work, but care must be taken not lose self-esteem. The teacher should teach him all these in peace, but do not spoil him by giving over caring. He must be aware of giving utmost respect for the human race. At last, he said that he wrote a lot of things in his letter, and he is waiting to see how many of them will work. To bachcho, मेरे बच्चे को सिखाए नामक पाठ भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।